वाराणसी भगवती समाज सेवा एवं महिला उत्थान समिति की वार्षिक बैठक आज परमहंस पब्लिक स्कूल सीर गोवर्धनपुर जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश पर संपन्न हुई। बहुत ही हुनर अध्यापिका हमारे विद्यालय की, कभी छुट्टी नहीं लेती है अंजू मैम और उषा मैम। रोल अपना नाम बता दे। सुजीत कुमार मेरा नाम है, मैं यहाँ संस्था में कोऑर्डिनेटर करते हूँ। सर, किस तरह संस्था से आगे बढ़ाने का आप लोग काम कर रहे हैं और क्या लग रहा है कि आगामी दिनों में किस तरह से आप लोग लोगों का सहयोग करते नजर आएंगे? सर, हम लोग ये एक सामाजिक संस्था है, भगवती समाज सेवा एवं उत्थान समिति। तो इसके थ्रू हमारी प्रिंसिपल मैम के द्वारा कुछ सहयोग किया था कोरोना काल में, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत किया गया था जितना हो सकता हम लोगों से। और शिक्षा के स्तर में हम लोग चाहते हैं गरीब बच्चों को 25% कंसेशन करके उनको शिक्षा दिया, और जो एकदम गरीब हैं, जो जिनके बच्चे माता पिता ना हो, वो बच्चे को हम लोग फ्री शिक्षा देते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग सामाजिक कार्य जो भी होता है यहाँ पर गरीब नागरिकों को लेकर के और गरीब नागरिकों के बच्चों को लेकर के, उन सभी के लिए हम लोग अपना सहयोग करते हैं। और हमेशा प्रयास रहता है कि सामाजिक उत्थान किया जा सके और समाज में जो भी बुराइयां हैं उनके प्रति हम लोग लड़ते हैं। अंजू देवी है, मैं स्कूल की अध्यापिका हूँ। अंजू जी, किस तरह का ये संस्था है और किस तरह का कार्य करती है? ये समाज सेवा का कार्य करती है ये संस्था, और जितने भी गरीब तबके के बच्चे हैं उनको शिक्षा ग्रहण कराती है फ्री, और तो जितना कंसेशन दे सकते हैं उतना देता है। कोरोना काल में भी 2 वर्ष में बहुत ही मदद किया हमारे प्रिंसिपल सर ने, पूरी फीस माफ की और उनके विकास के लिए जितना भी बन सकता है यहाँ से किया जाता है। तो अभी तक कितने बच्चों को आप लोग निःशुल्क शिक्षा दी है और देने का आगे क्या लक्ष्य रखा है? लक्ष्य तो हमारी संस्था की ज्यादातर अधिक ही हमको उनको आगे बढ़ाना है, और पूरी तरह से हमारे जितने भी यहाँ के संस्था में कार्य कर रहे हैं लोग हैं वो कार्यरत हैं इसके लिए, ताकि इनका विकास हो सके।